फाइनल जो है रियलमी ने रियलमी 9 प्रो और रियलमी 9 प्रो प्लस ये दोनों डिवाइस जो है लॉन्च किया है और दोनों डिवाइस पर जो है काफी सारा नए फीचर्स आ गए हैं। दोनों डिवाइस देखने में सेम है लेकिन जो है आपको अलग अलग प्राइस रेंज में जो है आपको मिलेगा क्योंकि इसका जो प्रोसेसर वगैरह है और जितने भी लेटेस्ट फीचर्स है वो काफी अलग है। तो आज हम जो है इस वीडियो में देखने वाले हैं इसमें क्या क्या माल मसाला रियलमी वालों ने डाल के रखा है और साथ ही साथ जो है इस दोनों फोन को जो है अलग अलग एंगल से जो है हम निहारेंगे। And once you finally get a taste of the race, you'll never look back once you felt that. Don't let somebody take your time and your worth. Just focus on yourself. और अब हम जो है इसको बाथरूम लगा है। तो सबसे पहले अगर इस फोन के डिजाइन के बारे में बात करूँ तो अगर आप लोगों ने वन प्लस नॉट टू या फिर वन प्लस के काफी सारे डिवाइस अगर देखे होंगे बिल्कुल सिमिलर जो है आपको डिजाइन देखने को मिलेगा और जो इन हैंड फील्स है दोनों फोन का वो काफी अच्छा है और काफी प्रीमियम जो है फील देता है। लेकिन जो दोनों डिवाइस का जो साइड फ्रेम है वो आपको जो है प्लास्टिक का मिलता है लेकिन जो बैक ग्लास के साथ आता है और जो रियलमी 9 प्रो प्लस है उसमें आपको जो है गोरिल्ला ग्लास की जो है प्रोटेक्शन भी आपको जो है देखने को मिलता है। लेकिन जो रियलमी 9 प्रो है इसमें कौन सा प्रोटेक्शन है उसका कोई भी जो है मेंशन नहीं किया गया है और ओवरऑल दोनों डिवाइस को अगर देखेंगे साइड बाय साइड तो काफी सिमिलर है लेकिन जो रियलमी 9 प्रो है उसका जो साइज है थोड़ा सा बड़ा है और जो प्लस वाला वर्जन है उसका साइज थोड़ा सा कॉम्पैक्ट साइज है। तो अगर दोनों डिवाइस का डिस्प्ले की बात करूं तो आपको Realme 9 Pro पे जो है 6.6 इंच का जो है आपको एक IPS LCD पैनल मिलता है जिसमें आपको जो है 120 हर्ट्ज वाला जो है रिफ्रेश रेट आपको देखने को मिलेगा और साथ ही साथ जो इसका पिक्सल डेंसिटी है वो 400 PPI का है। और अगर मैं Realme 9 Pro Plus की बात करूं तो यहाँ पे जो है आपको 6.4 इंच का एक सुपर AMOLED स्क्रीन देखने को मिलेगा और साथ ही साथ जो है 90 हर्ट्ज वाला जो है रिफ्रेश रेट इसमें मिलेगा और जो है इसमें आपको फ्रंट पे जो है गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन आपको देखने को मिलेगा वो भी गोरिल्ला ग्लास 5। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके परफॉर्मेंस के बारे में। तो Realme 9 Pro पे जो है आपको Snapdragon का 695 5G प्रोसेसर मिलता है जो 6 नैनोमीटर के ऊपर बेस्ड होते हैं और इसमें जो है आपको Adreno का 619 जो है आपको ग्राफिक्स मिलता है जो कि इस प्राइस में जो है बहुत बढ़िया GPU है और गेमिंग वगैरह भी आप जो है आराम से कर सकते हो। उसके बाद अगर आप Realme 9 Pro Plus की बात करो तो यहाँ पे जो है आपको MediaTek का Dimensity 920 वाला प्रोसेसर मिलता है, ये भी जो है 6 नैनोमीटर के ऊपर बेस्ड होते हैं और ग्राफिक के लिए जो है इसमें आपको माली का G68 वाला जो है आपको GPU देखने को मिलता है और इसमें जो है आप काफी अच्छा जो है गेमिंग कर सकते हो। आप बात कर लेते हैं इसके कैमरे के बारे में। तो कैमरे के बारे में बात करूंगा, Realme 9 Pro पे जो है आपको 64 मेगापिक्सल का जो है मेन कैमरा देखने को मिल जाता है और उसके बाद जो 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल लेंस और 2 मेगापिक्सल का जो है माइक्रो सेंसर दिया गया है। तो Realme 9 Pro Plus की बात करूँ तो यहाँ पे आपको जो है 50 मेगापिक्सल का जो है मेन कैमरा देखने को मिल जाता है और बाकी वाइड एंगल्स आपको 8 मेगापिक्सल और माइक्रो लेंस भी आपको 2 मेगापिक्सल का देखने को मिल जाता है। Realme 9 Pro पे जो है आप 4K वीडियो शूट नहीं कर सकते, इसमें जो है आपको 1080p 30fps जो है आपको मिलता है। लेकिन आप अगर Realme 9 Pro Plus की बात करूँ तो यहाँ पे जो है आप 4K जो है आप 30fps तक जो है शूट कर सकते हो और साथ ही साथ 1080p 60fps तक मिल जाता है और इसमें जो है आपको Sony का IMX766 वाला जो है आपको सेंसर देखने को मिल जाता है और ये वाला सेंसर जो है ना आपको काफी सारा Xiaomi या फिर आपको OnePlus के डिवाइस के साथ भी आपको ये वाला सेंसर देखने को मिल जाता है और ये वाला सेंसर जो है काफी अच्छा है फोटोग्राफी के लिए। तो अभी हम जो है बाहर आ गए हैं और इस फोन का जो है अभी कैमरा टेस्टिंग करने वाले हैं। तो ये रहा मेरा मॉडल, इसका जो है फोटो शूट करेंगे। हम कुछ शॉट जो है वाइड एंगल लेंस पे भी लेने वाले हैं और यहाँ पे जो है आपको माइक्रो लेंस भी देखने को मिल जाता है और
हम जो है काफी ज्यादा सेल्फी लवर है, तो हम जो है अभी सेल्फी, और दोनों डिवाइस पे जो है आपको 16 मेगापिक्सल का जो है आपको सेल्फी देखने को मिल जाता है। फोटोज़ की बात करूँ तो यहाँ पे जो है आपको डिटेल्स तो इतना अच्छा नहीं मिलता है सेल्फी कैमरा में, लेकिन हाँ ओवरऑल जो फोटो का वाइट बैलेंस वगैरह है, कॉन्ट्रास्ट वगैरह है, वो काफ़ी ठीक ठाक है। लेकिन अगर मैं रियलमी 9 प्रो प्लस की बात करूँ तो यहाँ पे जो है लो लाइट फोटोग्राफी जो है आपको इसका जो मेन कैमरा है 15 मेगापिक्सल उसमें जो है आपको काफ़ी ज़्यादा जो है बेटर जो है आपको फोटोज मिलते हैं और वीडियोस वगैरह भी काफी अच्छा आता है क्योंकि इसमें जो है OIS का सपोर्ट दिया गया है। अगर आप दोनों फोन के कैमरे को कंपेयर करोगे तो काफी ज्यादा जो है डिफरेंस आपको मिलेगा, खासकर जो इंडोर लाइटिंग कंडीशन है उसमें जो है आपको काफी ज्यादा जो है फर्क दिखेगा, क्योंकि Realme 9 Pro जो प्लस एडिशन है उसमें जो है OIS की वजह से जो है लो लाइट फोटोग्राफी या फिर इंडोर का जो फोटो है वो काफी अच्छा जो है आते हैं, लेकिन जो Realme 9 Pro है उसमें जो है आपको इंडोर में काफी ज्यादा जो है स्ट्रगल करते हैं। लेकिन फिर भी ये जो Realme 9 Pro है वो जो है इस प्राइस के रेंज में काफी अच्छा जो है कैमरा परफॉर्मेंस देता है, और जो Realme 9 Pro Plus है वो तो थोड़ा अल्टीमेट लेवल का है। और अगर मैं Realme 9 Pro Plus की बात करूँ तो यहाँ पे जो है आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है, और बाकी Realme 9 Pro पे जो है आपको 5000 mAh का जो है बैटरी देखने को मिल जाता है। जो Realme 9 Pro Plus है इसमें जो है आपको 4500 का जो है आपको बैटरी मिल जाता है, और दोनों फ़ोन जो है फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करते हैं, लेकिन आपको जो है Realme 9 Pro पे 33W का जो है डैश चार्जर आपको देखने को मिलेगा, और प्लस वाला वर्जन पे जो है आपको 60W का जो है डैश चार्जिंग मिल जाता है, और ये भी बॉक्स के साथ आते हैं। अगर दोनों डिवाइस के परफॉर्मेंस की बात करूँ तो दोनों डिवाइस जो है अपने अपने बजट पे जो है ठीक ठाक है, और जो Realme 9 Pro है इसमें भी आपको जो है परफॉर्मेंस में काफी ज्यादा जो है आपको इम्प्रूव देखने को मिलेगा। अगर मैं इसके गेमिंग परफॉर्मेंस की बात करूँ तो गेमिंग परफॉर्मेंस भी मतलब ठीक ठाक है इस प्राइस रेंज में, और इसमें जो है आपको UFS 2.2 का जो है स्टोरेज देखने को मिलता है। और बाकी आप बताओ कमेंट बॉक्स पे कि आपको कैसा लगा ये दोनों डिवाइस, और अगर ये दोनों डिवाइस का अगर फुल रिव्यू अगर आप देखना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हो। तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, और ज्यादा पसंद आए तो शेयर भी कर देना, और हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जरूर कीजिएगा, एंड नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, गुड बाय।